16 पीस का आपका सेट लगता है पूरा कि 1100 रुपए के आसपास का, ब्लैक का पूरा लुक निखर के आता है। मैटिंग मैंने अलग से खरीदी है, फिल्मी चढ़वा रहा हूँ, M2 वॉल पे मैं गया था, मैं अलग नॉर्मल था से भाई। पी से स्टार्ट होता है सीरियल नंबर उसका, स्टिचिंग बिल्कुल प्रॉपर होगी ना, मतलब कोई उसमें कोई दिक्कत की चीज तो आएगी नहीं भाई। पहली चीज तो ना इसको हटा देते हैं, गाड़ी को लेके जा रहा हूँ मैं, जरा स्टीयरिंग व्हील कवर लगवाना है गाड़ी के अंदर, बिकॉज यार बहुत थोड़ा अजीब सा लगता है, चिकना चिकना सा, समझ नहीं आता मेरे को तो ज्यादा, तो वहीं लेके चलते हैं पूरा एंड पूरा देखते हैं। स्क्रीन अब सही लग रही है देखने में, तो यार पहले ना एक बार डीजल डलवाऊंगा गाड़ी में, उस दिन से घर पे ही खड़ी थी एंड अभी आप देख रहे हो पूरा ब्लिंक कर रही है, तो मैंने डीजल नहीं डलवाया इसमें। अब एक तो स्टीयरिंग व्हील का कवर लगवाना है, डीजल डलवाते हैं, उसके बाद ना यार पूरी एक्सेसरीज की बात करूंगा एक बार कि क्या क्या चीज डली है और कितने में डली है। मतलब देखो भाई अभी हाई फाई मॉडिफिकेशन तो मैंने ज्यादा कुछ कराया नहीं है, कंपनी से भी गाड़ी मैंने ली थी एंड जो भी एक्सेसरीज स्टॉक में डली है मेरे तो उनकी हम पूरी बात कर लेंगे। मगर है ना ओवरऑल इम्प्रेशन भाई गाड़ी, मतलब 4x4 जो है ना आपकी, आपका लीवर एरा, तो 4x4 के यहाँ चलाने में एक अलग फील तो 100% है भाई। आप ड्राइव जरूर लेना, अगर आप ले रहे हो ना 4x2 तो प्लीज, मतलब आप ड्राइव जरूर लेके देखो एक बार गाड़ी की। एंड सर गाड़ी में डीजल डलवाते हैं, 3500 का डलवा रहा हूँ अभी मैं, बिकॉज यार मुझे ज्यादा पता नहीं है कितने का आएगा क्या चीज, 3500 में देखते हैं कितनी, अभी 1270 करीब का चढ़ा है भाई डीजल, अभी आप में इसका करीब 36 के आसपास आ गया है, 3500 मान के चलो 40 लीटर आ जाएगा, 57 की टंकी है, 2-3 लीटर तो पड़ा ही होगा, मतलब तगे मान के चलो भाई 5000 के आसपास में ना फुल होगी है, 3500 होने वाला है और तकरीबन वही आपका। तो भाई डीजल डल गया है, चाबी लगाता हूँ एक बार एंड आप देखोगे ना क्लस्टर में आ जाएगा, वॉल्यूम घटाता हूँ, डीजल भाई कितना आ गया इसमें, 1500 रुपए का और आ जाएगा इसके अंदर, काफी भर गया, सही सही है। और चलते हैं भाई कवर चढ़वाता हूँ बड़ा, जो तू ना मिला तो फिर क्या हुआ। तो भाई मैं ना आपका सदर आया हूँ यहाँ पे आगरा कार डेकोरेटर्स, मतलब प्रतापपुरा पर है आपका पूरा, है गाड़ी अपनी यहाँ पे लगी हुई है, आपका स्टीयरिंग व्हील कवर है रेड पैटर्न के साथ मैंने लिया, और ये भाई 1000 रुपए का मतलब है, तो वही 900 करीब का भैया लगा देंगे इसको, ज़्यादा मैं डिस्काउंट मांगूंगा नहीं, और रेड से ना भाई फील सा मतलब बढ़िया सा आ जाएगा थोड़ा इस पर, स्टिचिंग बिल्कुल प्रॉपर होगी ना, मतलब कोई उसमें कोई दिक्कत की चीज़ तो आएगी नहीं, बिल्कुल माल नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये साइडों में ही रहते हैं ये जो पैटर्न है, ये साइडों में ही आता है। अच्छा एंड भाई आप देख पा रहे हो भाई थार खड़ी है सामने, हमारी थार है भाई, मेरी थार है। तो यार बात करेंगे भाई एक्सेसरीज मैंने इस गाड़ी में क्या क्या डलवा दी अभी तक, बिकॉज यार मैंने इसकी डिलीवरी आपकी 9 तारीख को ली और आपकी आज 11 तारीख है, तो पूरी बात करते हैं क्या चीज़ कैसे है ना, मतलब मैंने क्या क्या इसके यहाँ चीज़ें करी है, क्या क्या मॉडिफिकेशन मैंने करे इसके अंदर, तो हम लोग पूरी चीज़ देखते हैं। वो देखो भाई आप इसके अंदर देख पा रहे हो, पहली चीज़ क्या दिख रही है ना, अलग नॉर्मल थार से भाई, आपको व्हील आर सी पे जो ब्लॉक दिख रहा है ना डब्बे डब्बे से भाई, इनसे ना लुक बहुत शानदार हो जाता है। और भाई 2023 का मॉडल है मेरा, आपको एक चीज़ बता दूँ, 2023 का मॉडल ना पी से स्टार्ट होता है सीरियल नंबर उसका, और आपका जो 22 वाला है वो एफ से स्टार्ट होता है। अगर आप डिलीवरी ले रहे हो थार की तो देख लेना पी स्टार्टिंग में आ रहा होगा, तो आपका 23 का मॉडल है वो, है ना। तो यार ये जो है ना आपके भाई, ये आपके चार चार पीस आते हैं, मतलब 16 का सेट आता है आपका, और आपके चार इस पे चार पीछे और चार हाउस वाले पे, 16 पीस का आपका सेट लगता है पूरा, जिससे कि ना आपकी जो क्लैडिंग होती है ना व्हील आर्ट जो है आपका प्लास्टिक फाइबर वाला, ये भाई और मोटा होता है, और मोटे उससे ना यार एक देख लो 3D से जो लुक आता है भाई बहुत शानदार लगने लगती है। पहली एक्सेसरी तो आपकी ये हो गई। दूसरी चीज़ की आप जब बात करते हो भाई मेरी गाड़ी में साइड में मैंने क्या कराया, तो आप देख रहे हो आपके ये मैट है, ये आपका पियानो है, तो ये एप्लीक्स हैं आपके मिरर एप्लीक्स। प्राइस की बात करूँ ना एक बार, तो भाई इनका जो प्राइस है ना आपके व्हील आर्ट जो 16 पीस वाले हैं, तकरीबन भाई आपके 8000 के आसपास के तकरीबन ये पड़ते हैं, मेरे को करीब 7.5 के पड़े थे। आप यहाँ पे देखते हो आपका ये जो एप्लीक्स हैं भाई, इनसे भी बहुत सही आता है, 2 RVM है आपके, एक उधर होता है एक उधर, दोनों पे लगे हुए हैं, और लुक देखते हो ना थोड़ा पियानो से बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट इस पर क्रिएट होता है। तो आप देख पा रहे हो भाई इस पर आपका जो लाइक मेरा खर्चा है तकरीबन वही आपके 1100 रुपये के आसपास के पड़ते हैं। दूसरी चीज़ आप देखो ये तीसरा है, ये मेरे भाई खुद मतलब अपने आप लगा लिया, डोर प्रोटेक्टर कह लो गार्ड कह लो, 4 का सेट आता है, 2 ही लगा सकता है, बट मैंने बोला यार अच्छा लग रहा है ना मेरे को, तो भाई काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। आप गाड़ी की प्रोफाइल पर देखते हो क्रोम का लोगो भी है साइड में, थोड़ा सा क्रोम इधर आ गया, आगे भी है थोड़ा, तो प्रपोर्शंस ठीक लग रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही थी, तो मैंने भाई खुद ही लगाए हैं, तो घर पे लाके डबल करके मैंने लगा दिए, मुझे तो बढ़िया लग रहा था। ये मेरे को 450 रुपये के पड़े हैं। रियर में आपका 4x4 का लोगो इसके क्रोम में आता ही आता है। इस तरफ आओगे तो भाई आप देख पा रहे हो टेल लैंप्स में आपके एप्लीक्स लगे हुए हैं इसके अंदर, ये भाई तकरीबन आपको 2000 रुपये के पड़ते हैं। इससे जो लाइटर रियर प्रोफाइल ना गाड़ी की मतलब अच्छी सी हो जाती है, आप देखते हो
थोड़ा सा ना एक कॉन्ट्रास्ट सा आपको ये लुक दे देते हैं पूरा, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उसमें, जो लुक है बहुत ज़्यादा शानदार निकल के आता है, मतलब अच्छी लगती है मेरे को ओवरऑल प्रोपोर्शन। मड फ्लैप इसके अंदर आपके चारों लगे हुए हैं, दो पीछे के लगे हुए हैं ना आपके भाई, दो आगे के से मड फ्लैप लगे हुए हैं, ये आपके मड फ्लैप्स होते हैं आपके, ये लग गए ना छोटे छोटे से, तो ये मड फ्लैप है, मतलब बेसिकली कोई ज़्यादा कुछ खास काम तो करते नहीं है, जब ऑफ रोडिंग वगैरह लेके जाओगे ना तो पूरी धार इस पे आती है डोर पे आपकी वो सब चीज़ें। पीछे की बात करते हो आपके पीछे का भाई, यहाँ पे टुकड़ा लगा हुआ पीछे का थोड़ा सा बड़ा है आगे, तो मतलब उनको बहुत छोटा सा मजाक सा लगता है मेरे को। एक आपके एप्लिक्स हो गए, आप रियर प्रोफाइल देखो भाई कितनी सही लगती है ना देखने का, मतलब बड़ी लगती है, बोल्ड लगती है। दूसरी चीज़ क्या है ना भाई, अभी अंदर के भी दिखाऊंगा मैं क्या चीज़ है, ये आपके व्हीलर्स क्लैडिंग पीछे वाली है, इस पे देखो लुक शानदार लग रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगने लगता है। इस पे मैंने ऐसे कुछ खास कराया नहीं, इधर भी आपके वो दो लगे हुए हैं, मॉक की ब्रांडिंग आपको यहाँ देखने को मिल जाती है इसके अंदर। और भाई मेरी गाड़ी के अंदर MRF वॉन्डर लगा हुआ है, C8 मिलता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, मगर ना MRF का टायर आई वुड से थोड़ा सा बेटर रहता है, उसकी जो ग्रिपिंग है जो भी कहते हो, MRF इज़ बेटर देन C8, आप उसकी बात करते हो पूरा। एप्लिक्स बहुत ज़्यादा शानदार लगता है, पियानो ब्लैक का पूरा लुक निखर के आता है गाड़ी के अंदर। अब ना भाई एक बार चाबी दिखा देता हूँ आपको, चाबी के ऊपर यार मैंने इस पे ये 200 रुपये का कवर आता है भाई, थोड़ा प्रोटेक्शन देता है, एंड ओल्ड लोगो वाली शेप थी इसमें, तो वो पुराना वाला जो लाइक आपका लोगो तो मेरी चाबी बनाया, बट हाँ आप देखते हो ना साइड से भी, तो लाइक पूरा अगर नया होता तो बढ़िया लगता। और तो ये चाबी की बात होगी सिलिकॉन का आता है आपका 200 रुपये का, कोई ज़्यादा खास महंगा नहीं आता, मतलब थार यार क्या कराओ इसमें, कितना भी पैसा लगा दो उससे कोई आपका खास फ़र्क नहीं पड़ता, आप जब पूरी पूरी बात करते हो। ओवरऑल ना गाड़ी लगती बहुत बढ़िया है, उसमें कोई दोराया तो है नहीं। अब एक बार अंदर की बात करूँ ना आपसे, तो आप जैसे ही डोर खोलते हो भाई, मैंने इसके अंदर स्कफ प्लेट्स कंपनी से ही डलवाई है, ये आपके कंपनी से ही डली है, तकरीबन 650 रुपये के आसपास की आपको ये कॉस्ट करती है, 650-700 रुपये की। और ये जो देख लो टेपिंग आपकी है, ये भाई टेपिंग क्या कह लो, मतलब ना ये इसके साथ ही आती है आपकी, तो इससे आप अंदर भर जब चढ़ते हो उससे आपको लाइक पैर वेर से ना स्क्रैचेस ना पड़े उसके लिए आपको आती है वो। मैटिंग आप देख रहे हो भाई, मैटिंग मैंने अलग से खरीदी है, मैंने कंपनी से नहीं डलवाई। ये जो मैटिंग है आपकी आप देख पा रहे होगे, इसके अंदर दो लेयर हैं आपकी, ऊपर की मैट है इससे लाइक धूल वूल नीचे इकट्ठी हो जाएगी एंड नीचे आपकी इसमें भर जाएगी। भाई ये मैटिंग ना मेरे को तकरीबन आपकी 3200 रुपये के आसपास की पड़ी है आपकी, तो 3200 में मेरे को यार ठीक मिल गया, मतलब आगे की ये हो गई आपकी, और पीछे की दिखाऊंगा तो पीछे की भी आपकी ऐसी डली हुई है, बूट के अंदर भी डली है ये आपकी, बूट के अंदर भी डली है। डोर को करता हूँ बंद, बूट की दिखाऊँ मैटिंग एक बार आपको, तो बूट की मैटिंग आपकी ये रही, ये देखो मतलब क्वालिटी ठीक है यार इसकी भी। धूल वूल जो भी होगी ना वो भाई आपकी लाइक इसके नीचे ही कलेक्ट होती जाएगी और फैलने वाला टेंशन कोई है नहीं उसके बाद। अब एक बार आगे चलता हूँ मैं आपके, ये मैंने दिखा दिया 450 तकरीबन के थे आपके, अभी मैंने भाई जस्ट अभी ना इस पर मैंने स्टेयरिंग पे कवर चढ़वाया आपका, स्टेयरिंग व्हील पे मैंने लाइक कवर चढ़वाया, ये भाई आपका 1000 रुपये का कवर है, मगर मेरे को 900 रुपये का लगा दिया भैया ने, क्वालिटी बहुत सही लगी भाई इसकी मेरे को, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी और रेड स्टिचिंग से ना यार मज़ा सा आ गया मतलब देख के ये तो। और दूसरी चीज़ मैंने भाई, भगवान जी मेरे पास थे मेरी i20 के, मैंने वो निकाल लिए थे, मैं देता कभी बप्पा को, मैं अपने कभी आज तक नहीं दिए मैंने। उसके बाद आपके ये मैंने अभी लिया है, आपका 100-150 रुपये कुछ का पड़ा मेरे को इसके, आपका यही मेरी i20 में लग रहा था, मैंने ये उसमें निकाल ली, ये भी मैं ये नहीं देता काय को देनी फालतू बार बार, काय को पैसा बिगाड़ना, ये चीज़ ले ली। आप देखते हो मैंने परफ्यूम लगा लिया इसके, परफ्यूम आपका वही एयर प्योर एयर प्रो का, एयर प्रो जो भी है उसका, तकरीबन ये भी 450-450 रुपये का पड़ता है मेरे को। चाबी की बात होगी, मैटिंग वगैरह देखते हो बढ़िया लगता है, सीट कवर पेंडिंग है अभी, और भाई मेरी गाड़ी ना अभी इतनी ज़्यादा चलेगी नहीं अभी ये, बिकॉज अभी घूमने उमने का भी सीन वगैरह है नहीं, इससे ऑफिस वगैरह ही चल रही है और मैं अकेला ही, लाइक पापा चला लेंगे मैं चला लूँगा, तो सीट कवर थोड़ा पेंडिंग रख लेंगे, पन्नी अभी थोड़े दिन में उतरवा दूंगा। कुशन मेरे को यार रेड स्टिचिंग के मिल रहे थे, मगर मेरे को बेकार लगी क्वालिटी, ऑनलाइन मंगा लेंगे उनको तो वो और बढ़िया चीज़ आ जाएगी। तो मतलब मोटा मोटा ना इसमें एक्सेसरीज तो आपकी लाइक थोड़ी बहुत लाइक अच्छी खासी डिसेंट लगी हुई है, मॉडिफिकेशन की जब बात आएगी ना भाई तो आगरा में तो किसी कीमत पर नहीं कराऊंगा मॉडिफिकेशन, ये गाड़ी आपकी करोल बाग यानी कि डेली जाएगी, एंड वो जो है ना आपके विकास दयाल भाई एक्सप्लोर द अनसीन है, जो भी ये लोग अज्जू भाई जो यहाँ पे करा रहे हैं ना पूरा भाई, वो जगह बढ़िया लगी मेरे को तो, अजूम वगैरह की लाइट और आपका आफ्टर मार्केट बम्पर वगैरह जो भी है तो मज़ा सा आ जाएगा पूरा उसके अंदर। तो मतलब ना आप देख लिया कि एनएक्सरी में ज़्यादा कुछ खास नहीं। अरे भाई एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने लगाई है इसके अंदर भाई, कॉस्टली थी काफ़ी ज़्यादा आपका ना, नीचे इसमें मैंने फ्यूल टैंक का कवर लगवाया है आपका, आप देख पा रहे हो ये फ्यूल टैंक का कवर है आपका, तो आपका ये पूरा इसके अंदर डला है, एंड ये देखो वो आपका फ्यूल टैंक कवर है पूरा। तो भाई ये जो फ्यूल टैंक का कवर है ना आपका, ये बनता है आपका PVC का लाइक प्लास्टिक जैसा ही कुछ फाइबर का पार्ट था, मगर गाड़ी को प्रोटेक्शन बहुत तगड़ी देता है, एप्लिक्स का लुक भी बढ़िया है, ये भी व्हीलर से बढ़िया लग रहा है, एंड भाई डबल से जो लुक आ रहा है ना यार रबराइज है ये भी डोर गार्ड आपके, प्रोटेक्शन मतलब बढ़िया मिलती है। PPF वगैरह का भी यार सोचा नहीं है मैंने, कराऊंगा तो मैं देख लूँगा। तो मेरा सोचना ऐसा है कि 4-5 महीने बाद जब भी मौका लगेगा मेरे को लाइक लगेगा कि हाँ भाई थोड़ी सी अब फेड हो रहा है कलर, तब इस पर हम अपनी वो करा लेंगे। तो एक्सेसरीज वगैरह हम देख लिए है, और क्या चीज़ बची, मोटा मोटा सभी हो गया आपके। हाँ यार डोर वाइजर पे आप देख रहे हो ये आपके तकरीबन 1300-1400 रुपये का पड़ते हैं, महिंद्रा की तरफ से ये ब्रांडिंग देख पा रहे हो आप,
क्रोम का इसके अंदर वो आता है। एक चीज़ और अंदर आपको दिखाता हूँ मैं, मेरी गाड़ी के अंदर ना अब ये देख रहे हो आपके सनशेड रखे हुए हैं यहाँ पे, ये भी बाय महिंद्रा है आपके फ्रंट विंडोज़ के, आगे का दोनों के विंडोज़ के मिल गए मेरे को। और महिंद्रा की जो वेबसाइट है ना M2 All, भाई मैं इस पर फिल्म तो चढ़वा नहीं रहा, फिल्म ही चढ़वा रहा हूँ, M2 All पे मैं गया था, मैंने उस पर देखा तो आपके लाइक रियर विंडो के भी सनशेड मिल जाएंगे मेरे को, तो मैंने ऑर्डर कर दिया। तकरीबन 1,145 रुपये के पड़े मेरे को वो ऑनलाइन वेबसाइट से, तो वो भी क्या है ना काले काले शीशे ज़रा टोरा तो आ ही जाता है थोड़ा, एंड मैं इसे फिल्म ही चढ़वाऊंगा बिकॉज यार चलन वगैरह बहुत ज़्यादा कट रहे हैं आजकल, मेरा कट गया तो कोई फ़ायदा नहीं है उसके अंदर। तो यार यही था भाई इस वीडियो के अंदर ना, भाई थार ना भाई शौकी चीज़ है, पूजा वगैरह हुई थी पूरा आप देख पा रहे होगे ना, तो वही चीज़ है पूरा। आपको कैसी लगती है गाड़ी आप मेरे को भाई कमेंट्स के अंदर बताना, आई नो भाई आप सबको पसंद है, एंड कोई भी गाड़ी अगर आप देख रही हो महिंद्रा की तो भाई मस्त विजिट है कल्याण महिंद्रा पे, हो सकता है आपको डील जल्दी मिल जाएगी लोन वगैरह की, जिसके प्रोसेस में दिक्कत आती है ना तो भाई गाड़ी जल्दी दे देते हैं, आप लोग जानते हो ये बात। तो यार यही था भाई, अगली वीडियो में मिलता है भाई, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर भाई, लव यू ऑल।